तेलंगाना के विधानसभा स्पीकर को दूध से नहलाया गया। जहां देश में गरीब बच्चों को एक गिलास दूध भी नसीब नहीं हो पाता है, वहां अगर ऐसी तस्वीर सामने आए तो बेहद अफसोस और शर्म की बात है। तेलंगाना के भूपालपिल्ली जिले में तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर श्रीकोंडा मधुसूदन चारी को दूध से नहलाया गया। अपने विधानसभा क्षेत्र भूपालपिल्ली के अरीपल्ली गांव में स्पीकर ने नए ग्राम पंचायत का ऐलान किया था। इसी मौके पर उनके समर्थकों ने गांव में उन्हें दूध से नहलाया। कुछ सेकंडों में ही कई लीटर दूध बर्बाद कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने समर्थकों से दूध से नहलाने के लिए मना भी किया, लेकिन दूध से नहलाने का यह कार्यक्रम सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेलंगाना में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास दूध खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। लोगों ने इसे पैसे की बर्बादी और गरीबों का मजाक बताया।